पल्लवी, आज तुमने इंस्पेक्टर के सामने ये बात कबूल की है कि ऋषि की पत्नी तुम नहीं मैं हूँ। आगे भी तुम्हें इसी बात पर कायम रहना होगा। गौतमी, शायद यही फर्क होता है एक पत्नी और तू जैसी प्रेमिका में। ऋषि को मुझसे छीनने के लिए कुछ भी कर सकती है और मैं ऋषि को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिलहाल तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है पल्लवी। तुमने इंस्पेक्टर के सामने जो रिश्ता कबूल किया है, बस आगे उसी रिश्ते पर बने रहने की कोशिश कर। क्योंकि अब ऋषि की पत्नी मैं और तुम कुछ और नहीं, सिर्फ मेरी बहन पल्लवी, समझी तुम? पल्लवी के ऐसा कह देने से शायद तुम्हारे दिल को तसल्ली बहुत मिली होगी, लेकिन शब्द कभी सच पर भारी नहीं हो सकते। पति पत्नी के रिश्ते उस तरह से नहीं बनते जिस तरह से तुम समझती हो। पति पत्नी के रिश्ते ना ही उस तरह से कायम किए जाते हैं जिस तरह से तुम करना चाहती हो। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ कह देने से नहीं बनता, अग्नि के सामने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को जीवन साथी चुना है, और तुम सिर्फ कह देने से ही रिश्ता हासिल करना चाहती हो। हो सकता है कि इस खेल में तुम जीत जाओ, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम ऋषि को पाने में कामयाब हो जाओ, लेकिन सही मायने में तो तुम ऋषि की धर्म पत्नी कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते ऐसे नहीं जुड़ते जिस तरह से तुम जोड़ना चाहते। कि मुंह खोला, कह दिया और बन गए ऋषि की पत्नी। बनी नहीं हूं मौसी जी, तो क्या हुआ, बनने के रास्ते तो बन गए हैं ना। और वैसे हम दोनों ने एक दूसरे को अपना ना जाने कब का मान लिया, लेकिन लड़ाई तो उसी बात की कि अग्नि के समक्ष अग्नि को साक्षी मानकर ऋषि की पत्नी बन। और ये पल्लवी, ये तो इंस्पेक्टर के सामने ये कबूल कर चुकी है कि ऋषि की पत्नी मैं हूं, और अब अगर ऋषि मेरा नहीं हुआ तो आप लोग इंस्पेक्टर के सामने क्या जवाब देंगे कि आप लोगों ने झूठ क्यों बोला? और अगर ये बात इंस्पेक्टर के सामने खुल गई तो जो मामला आज खत्म हुआ है वो मामला फिर से खुल जाए। तो अब तो आप लोगों को ही ये कोशिश करनी चाहिए कि मेरी ऋषि के साथ शादी हो जाए, क्योंकि इसी में इस घर की भलाई है। आखिरकार गौतमी ने अपने रंग दिखा ही दिए। गौतमी अकबर के हाथों कठपुतली बनी हुई है और ऋषि गौतमी के हाथों। आज बात इस हद तक पहुंच गई है कि पुलिस घर आ गई, कल को ये बात और आगे बढ़ेगी, चर्चा का विषय बनेगी, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ऋषि है, सिर्फ ऋषि। दुर्गा, हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। गौतमी को हम धक्के मारकर बाहर नहीं निकाल सकते, और पल्लवी का अधिकार छीनकर गौतमी को दिया नहीं जा सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऋषि की वजह से मेरे मान सम्मान पर आंच आएगी, और उसे बचाने के लिए मुझे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन इतना जरूर कह देती हूँ, अपनी इज्जत को बचाने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ना तो मैं जरूर करूंगी। आपने जो इज्जत बनाई है ना मम्मी जी, उसे बचाने का एक ही रास्ता है, और वो है ये। क्या है? तलाक के कागजात। आप इन पेपर्स पर प्यार से पल्लवी के साइन करवाएं, तो समझ लीजिए बचा ली आपने अपने घर की इज्जत, वरना तो भगवान ही मालिक। Thank you.
अगर आज इस घर की इज्जत तबाही के कगार पर पहुंच गई, उसकी वजह तुम हो ऋषि, सिर्फ तुम। आप मुझे जिम्मेदार ठहरा रही? मुझे? ये पल्लवी जो आज एक आदर्श बहू होने का नाटक कर रही है, क्या कुछ नहीं किया इसने आपके साथ? आज जो कुछ ये भोग रही है, ये सब इसी के कर्मों का फल है। माँ भी कैसे भूल गई कि यही पल्लवी है जिसने आपको चैलेंज किया था कि ये मुझे आपसे छीन कर दिखाएगी। इसी ने घर में परेशानियां खड़ी की, मुसीबतें खड़ी की, षड्यंत्र रचे। इसकी हर एक चाल जानकर भी मैं चुप रहा, अंदर ही अंदर खुटता रहा। और इसी घुटन ने मेरे दिल में इसके खिलाफ नफरत पैदा कर दी। और इसी नफरत ने मुझे धीरे धीरे गौतमी के करीब ला दिया। और आप इसकी वकालत कर रही? किसकी? अगर ये घर से नहीं जाएगी, गौतमी भी इस घर से नहीं जाएगी। क्षमा जलती है, पिघलती है, इसकी है समाने के लिए। अगर ये घर से नहीं जाएगी, तो गौतमी भी इस घर से नहीं जाएगी। ऋषि, आज इस घर में क्या हुआ तुम्हें मालूम? हाँ, इन्हें मालूम। मैंने ही इन्हें फोन करके बताया था कि आज यहाँ पर पुलिस है। और पुलिस के आने के बाद भी क्या हुआ वो भी मैंने सब कुछ इन्हें बता दिया है। घर में सारी मुसीबत आप लोगों ने खड़ी की और मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे। चाहे कुछ भी हो जाए, गौतमी इस घर से नहीं जाएगी। बस ऋषि, बस अब इतना भी मत करो कि मुझे यह अफसोस हो जाए कि मैंने तुम्हें पैदा क्यों किया। अब अफसोस कीजिएगा या खुशी मनाइएगा मम्मी जी, लेकिन इस तलाक नामे का फैसला जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब यह तलाकनामा ही इस घर की इज्जत बचा सकता है। चलो ऋषि। अब्बू की तस्वीर? हाँ, इंसान की फितरत भी कितनी अजीब है। वो यादें जो हमें दर्द दे, उन्हें हम भुलाने की भी कोशिश करते हैं और उन्हें अपने पास सवार के रखने की भी कोशिश करते हैं। जिस तरह से मैंने अपने बेटे अख्तर की यादों को अपने पास सवार के, लेकिन आज अस्कर की बातों ने उन जख्मों को फिर से हरा कर दिया। दर्द तो आपके दिल में भी होगा दादा जान, और शायद उस दर्द का एहसास हम भी नहीं कर सकते जो आपको अपने जवान बेटे को खोकर हुआ होगा। लेकिन उसके बावजूद
आप उसके कातिल के साथ समझौता करना चाहते हैं। अबू बता रहे थे कि अल्तमश, ये हम कैसे भूल सकते कि हमारे बेटे अख्तर की मौत के पीछे अकबर का हाथ था। लेकिन आज हम ये भी नहीं भूल सकते अख्तर की बेटी सोहा अकबर की बहू। आपने बिल्कुल ठीक कहा दादा जान, हम भी तो यही सोचकर अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। दादा जान ने अपना बेटा खोया है और तुमने अपना वालिद, दर्द दोनों के दिलों में और ये तड़प मैं महसूस कर सकता हूं। तड़प तो हमारे दिल में भी है, हमारे अब्बू की यादें अब भी हमारे जहन में सलामत है। उनका वो लोरी गाकर हमें सुलाना हम नहीं भूले। अख्तर, ये अब्बू तुमसे बहुत जरूरी बात कर रहे। अब्बू जाने फरमाए अपने अख्तर के रिश्ते के बारे में। यहां के अकबर ने अभी तक शादी नहीं की, वो बार बार ये कहते कि पहले अकबर की शादी होनी चाहिए, हालांकि बड़ा तो अकबर है। बात तो बिल्कुल बजा है कि अकबर बड़ा है तो अकबर का निकाह पहले होना चाहिए और अस्कर का बाद में। लेकिन अब तो अकबर का निकाह हो चुका है, तो अस्कर का भी निकाह कर दें। अल्लाह मियां ने हमें सुबहाना जैसी नेक बहू दी। बजा फरमाया बजा ने, इसलिए अब ख्याल आता है कि अस्कर का निकाह भी कर दें। बिल्कुल अबू जाने, आप वैसे असगर के लिए काफी अच्छे अच्छे पैगाम आए हैं, आप हैं तो मैं उसकी पैरवी करूं। तो मेरा मुंह क्यों देख रहे हो तुम, बात आगे बढ़ाओ ना। तुम तीन शादियां हो जाए तो मैं आराम के साथ ले पाऊंगा। अरे 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 शमा बिटिया को क्या हुआ भैया? अरे क्या हुआ रानी मेरी, मेरी परी, इतने मोटे मोटे आंसू, बाप रे बाप, क्यों रो रही है? शमा क्या बात है? मम्मी ने आपके आपको डांटा? क्यों डांटा? चलकर उन्हें पूछिए ना, उन्होंने हमें क्यों डांटा? अभी अभी चल के हम पूछते हैं। क्यों ना आप दादा जान से शिकायत करें? शमा मेरी बात सुन, वालदैन डांटते भी हैं और मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन उनके डांटने पर यूं खफा नहीं होना चाहिए। हाँ देखा, दादा जान ने आपको कितनी अच्छी बात बताई। चलो नमाज का वक्त हो गया, अच्छा जी अब हम अपनी रानी बिटिया को चुप कराते हैं, अच्छी सी लोरी सुनाते हैं, है ना? ये देखो मेरी रानी बेटी लेट गई, बस 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 रोना नहीं। ये देखो मोटे मोटे आंसू गए गए, सपना सपना सपने में सोना जड़ा, सपनों का था एक राजकुमारी से करता था प्यार। सो जा सपने में सोना जड़ा, एक दिन ऐसा क्या हो गया, सपनों का राजा रूठ गया, उसका सपने में आना छूट गया। सपनों की रानी को सपने में रोना पड़ा। सो जा सपने में सोना। हम कभी अबू को नहीं भूल पाए, सोहा को तो याद भी नहीं होगा, लेकिन हमारी जहन में अबू की यादें अब भी सलामत है। शमा जलती है पिघलती है जमाने लिए। सुबह
सोहा को तो याद भी नहीं होगा, लेकिन हमारी जहन में अब्बू की यादें अब भी सलामत है। वक्त सोहा पैदा भी नहीं हुई थी। सर ये बताओ के कैसे आना हुआ? दादा जान, एक तरफ अब्बू का कहना है कि सोहा को वापस लाना चाहिए क्योंकि वो उस घर में खुश नहीं रह सकती, और दूसरी तरफ आपने बड़े अब्बू को मिलने के लिए बुलाया। आखिर आपने सोचा क्या है दादा जान? तो बस किसी भी चीज को तोड़ने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उसी चीज के बनने में बहुत वक्त लगता है। यही होता है रिश्तों के साथ भी। किसी भी रिश्ते को तोड़ना तो आसान काम है, लेकिन किसी भी रिश्ते को तोड़ने से किसी की जिंदगी आबाद नहीं हो जाती। अल्तमश, सोहा को उस घर से लाना और तलाक दिला देना यह तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या तुम दोनों ने उसके बारे में सोचा? आपने बिल्कुल ठीक कहा दादा जान। उस घर से आने के बाद क्या सोहा उस घर को भुला पाएगी? क्या उस घर में बिताए हुए लम्हों को वो भूल पाएगी? आशा, सोहा उस घर से आ तो जाएगी, लेकिन उस पर तलाक का दाग तो लग चुका हो। इसलिए अल्तमश, हम तलाक के बारे में नहीं सोचना चाहते। हम अकबर से बात करना चाहते। मालूम नहीं समझौता होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम अकबर से बात जरूर करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि इस घर की लड़ाई का असर सोहा पर पड़ जाए। दादा जान, आप असर की बात कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि सोहा को मोहरा ही इसलिए बनाया गया है। आप अब तक तो समझ ही चुके होंगे कि सोहा को चाहे उस घर में कितनी ही जद्दोजहद से गुजरना पड़े, कितने ही मुश्किल हालातों का सामना करना पड़े, वो उस घर को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि लड़की जिस घर में बहू बनकर जाती है वहां लोगों के दिलों को जीतना, उस घर में अपने लिए जगह बनाना उस लड़की का फर्ज होता है। और सोहा भी शायद यही सोचती है। शमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। तुम तो नाश्ता लेकर जल्दी आ गई, मुझे लगा तुम्हें तो टाइम लगेगा। गुड। क्या हुआ? आज मुंह क्यों लटका हुआ? देखो, लड़कियां मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं, और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मुस्कुराना ही नहीं आता। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ।